ये तो आप सबको पता ही होगा, द्रौपदी। द्रौपदी महाभारत की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी महिला थी। 5 पतियों के बावजूद उसे संसार की श्रेष्ठतम चरित्र और गुणों वाली महिला माना गया है। द्रौपदी ने संसार की सभी नारियों को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और वो 4 बातें हर स्त्री को माननी चाहिए, खासकर शादीशुदा महिलाएं। द्रौपदी की कही वो 4 बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताजी ताजी अपडेट्स पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं और लुफ्त उठाएं ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस का। पहली बात जो द्रौपदी ने कही है, स्त्रियों को कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, वरना घर में बरकत नहीं रहती। दोनों परिवार के सदस्यों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। अगर सामने वाला गलत है तब भी अपने व्यवहार में परिवर्तन ना लाएं, लेकिन स्वाभिमान से भी समझौता ना करें। दूसरी बात जो द्रौपदी ने कही है, एक अच्छी और सच्ची स्त्री को हमेशा बुरी स्त्रियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। स्त्री को न सिर्फ बुरे पुरुषों से बल्कि बुरी स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। बुरी स्त्रियां अपने आचरण से दूसरे के घर को बर्बाद भी कर सकती हैं। तीसरी बात में द्रौपदी जी ने संदेश दिया है कि स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, इसलिए विषम परिस्थितियों में भी घबराए नहीं और हमेशा अपने पति के कदम से कदम मिलाकर साथ दे, क्योंकि शादी के बाद एक स्त्री का पति ही उसका सब कुछ होता है। अगर पति ना हो तो सब कुछ बेकार है, इसीलिए स्त्रियों को अपने पतियों का आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी सभी आज्ञाओं को मानना चाहिए। चौथा संदेश जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, महिलाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य, स्त्री को अपने घर में हो रहे ऊंच नीच या किसी अन्य तरह की बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से कभी साझा नहीं करना चाहिए। इससे घर का भेद दूसरों को पता चलेगा और दुश्मन का फायदा होगा, इसलिए कभी भी अपने घर की बातें किसी तीसरे को ना बताएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।